मेयर एसपी आनंद शर्मा ने बालोतरा क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर लॉकडाउन की पालना को लेकर शहर का जायजा लिया। साथ ही पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए। राशन की दुकानों और बैंकों के आगे लगने वाली लंबी कतारों को लेकर ये दिशा निर्देश दिए गए। सिटी के बाद ये सबसे बड़ा सिटी है, तो इसलिए आज मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं। तो लॉकडाउन की तो अच्छी कंप्लायंस है, पुलिस की सख्ती भी चल रही है, निरंतर कार्रवाई भी कर रहे हैं और अब पब्लिक भी समझ रही है। दो जो इशू लगे वो एक तो राशन शॉप्स पे अब राशन मिल रहा है, तो मैंने अभी बात की कलेक्टर साहब से भी और हम भी अब राशन शॉप्स की लिस्ट बना के वहाँ डिप्लॉयमेंट करेंगे और इन लोगों को पाबंद करेंगे जो डीलर्स हैं कि ये भी सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स लें, वहाँ पे गोले बनवाएं, कुछ रस्से वगैरह बांधें ताकि वहाँ भीड़ नहीं है। दूसरा, जैसा कि लग रहा है बैंक्स में अब पेंशन और उसका टाइम है तो वो निकालने के लिए भीड़ आ रही है, तो उसमें भी बैंक प्रबंधन के साथ एक मीटिंग करके और थोड़ा डिप्लॉयमेंट करके कि 5 से ज़्यादा लोगों को अंदर एंट्री ना दें, लोगों की बाहर लाइन बनाएं अगर ज़्यादा हो जाती है तो लोगों को असेंशियल कमोडिटी भी मिले परंतु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, इसको सुनिश्चित कराएंगे। अभी एक बालोतरा का राउंड लिया, अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, अब मैं एक बार बॉर्डर और जो चेक पोस्ट है उनको थोड़ा सा चेक करने के साथ। वहीं राजधानी जयपुर की फागी थाना पुलिस को महिला की हत्या के